हेलो गाइस, मीनू की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ। मैंने दो बड़े बड़े बैंगन लिए हैं, उसको मैं गैस के ऊपर भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसका तड़का लगाऊंगी। अब मैं बैंगनों को गैस के ऊपर रखूंगी भूनने के लिए। अब बैंगन भून चुके हैं। अब मैं इसको ठंडा करके इसका छिल्लड़ उतार लूंगी। मैंने बैंगनों का छिल्लड़ उतार लिया है और इसको मैश कर लिया है अच्छी तरह से। मैंने दो बैंगन का भरता बनाने के लिए 5 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, 2 हरी मिर्च ली हैं, 5-7 लहसुन की तोड़ियाँ ली हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 टमाटर लिए हैं मसाला बनाने के लिए। आप चाहे ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने भरता बनाने के लिए सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर भरता बनाने के लिए सरसों का तेल बहुत ही अच्छा है। इसके साथ भरता बहुत स्वादिष्ट बनता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से गर्म करूंगी। अब सरसों का तेल गर्म होकर लाल हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप जब भी सब्जी बनाएं सरसों के तेल के साथ, तो आप इसको अच्छी तरह से लाल कर लें, ताँ जो कि सरसों का तेल कच्चा ना रह जाए। अब मैंने लहसुन को बारीक बारीक काट लिया है। पहले मैं इसको ब्राउन करूंगी, लहसुन को कढ़ाई में डालकर। अब हमारा लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके बीच प्याज डालूंगी। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं इसको ब्राउन करूंगी लहसुन के साथ। मैं प्याज को हल्का सा भूनने के बाद अदरक को डालूंगी। मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसको भी कढ़ाई में डाल दूंगी। मैंने टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। मैंने जो मसाले लिए हैं वो इस प्रकार हैं। मैंने 1 चम्मच हल्दी का लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप जब भी सब्जी बनाएं तो मसाले अपने हिसाब से डालें। अब हमारा मसाला ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाला डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको सेक लगाएंगे, ताँ जो कि हमारी हल्दी कच्ची ना रह जाए। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च को डालेंगे।
अब मसाले में तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बैंगन डालेंगे जो मैश किए हुए थे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे भरते को। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च गरम मसाला डालेंगे इसमें। अब भरता तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। मैंने धनिया को काट लिया है बारीक बारीक। अब हम इसमें डाल देंगे भरते में और इसको भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब भरता बन गया है खाने के लिए।